السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. محترم حضرات मुआफ करने की फ़ीलत इस्लाम में बहुत ज़्यादा बता बताई गई है एक इंसान को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो कुशादा दिली इख्तियार करे मुआफ करने की खूबी अपने अंदर पैदा करे दरगुजर करने की राह अपनाए मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्लम ने बीवी और बच्चों को मुआफ़ करने की तालीम दी अल्लाह रब्लमी ने इशात फरमायादी आ मनु इन नमिन अजवा जी कुम के ए ईमान वालो तुम्हारी बाज बीवियां और तुम्हारी बाज औलाद तुम्हारी दुश्मन हैं फहजरु तो तुम उनसे बच कर रहो और अगर तुम उन्हें मुआफ कर दो दरगुजर कर दो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला मेहरबान है इसायत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवियों को और औलाद को इंसान का दुश्मन बताया है यह दुश्मनी क्या है क्या वो हमारे दुश्मन हैं नहीं यहां दुश्मनी का मतलब यह है क्योंकि इंसान के दिल में अपने बीवी और बच्चे की मोहब्बत फितरी तौर पर बहुत ज़्यादा होती हर इंसान अपनी बीवी और बच्चों से फितरतन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत बसा औकात इंसान को उसके दीन में नुकसान पहुँचाती मसलन बीवी की खुशी के लिए इंसान वह काम करता है जो काम शरीयत ने उस पर हराम करार दिया है मसला हराम माल की तलाश या इसी तरह बच्चों की मोहब्बत में बसा इंसान हराम काम करता है फ़राइज को तर्क कर देता है और उनकी खुशी के लिए ऐसे काम करता है जिससे उसके दीन को नुकसान पहुँचता है उसकी आखरत को नुकसान पहुँचता है उसके नफ्स को उसके तकवा को उसके ईमान को ठेस पहुँचता है अल्लाह आलमीन ने फरमाया कि देखो तुम्हारी ये औलाद तुम्हारी ये बीवियाँ और उनसे तुम्हारी मोहब्बत कहीं तुम्हें दीन के मामले में नुकसान का सबब न बन जाए लिहाजा उनकी ये दुश्मनी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से है यानी उनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर इस कदर गालिब ना आ जाए कि तुम उनके लिए अपने दीन को छोड़ने लगो अपने फराइज को छोड़ने लगो महरमात का इरतक करने लगो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी से पीछे न हटने लगो ये मोहब्बत तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुरानी करीम में एक मक़ाम पर बयान फरमाया है या यदीन आमनु लातुल्हुम अमूआलकुम अवलाकुम अन झिकल्ला कि ऐ ईमान वालो तुम्हें तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे माल तुम्हारे औलाद ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे उसी का जिक्र अल्लाह आलमीन ने यहाँ पर किया है कि उनकी ये मोहब्बत तुम्हारे लिए नुकसान और शर का सबब न बन जाए फरू तो तुम उनसे बच कर रहो उनसे बच कर रहो का मतलब कि तुम उनकी मोहब्बत में अपने दीन को साइड मत करना बल्कि उनकी मोहब्बत के साथ साथ तुम्हें अपनी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल को और दीन को सबसे आगे रखना है अब यहां पर अगर आपको आपके दीन को आपके बीवी बच्चों से नुकसान पहुंच रहा है तो एक दीनदार मुसलमान दीन के नुकसान की वजह से अपनी बीवी बच्चों पर गुस्सा हो सकता है उन्हें मार सकता है उन्हें छोड़ सकता है यानी एक आदमी कह सकता है कि तुम्हारे लिए मेरी नमाज छूटती है लिहाजा मैं तुम लोगों की यह जरूरत पूरी नहीं करूंगा या अपने बीवी बच्चों को मारना शुरू कर दे अल्लाह ने फरमाया कि अगर उनकी मोहब्बत से तुम्हें कभी ऐसा हो जाए तो यह तुम्हारी गलती है तुम्हें अपने आप की असलाह करना है और उनसे जो सादिर हुआ है उनकी मोहब्बत की वजह से जो मामला पेश आया है उसके ताल्लुक से तुम्हें उन्हें सजा ना दे करके उन्हें माफ करना चाहिए फरमाया व इंताफू अगर तुम माफ कर दो व तस्फहू और दरगुजर कर दो व तगफरू और बख्श दो तीन तीन अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए गए यानी तुम्हें हर पहलू से उन्हें जाने देना चाहिए उन्हें सजा देना उनसे बख्ज रखना उन्हें छोड़ देना ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है जब तुम अपने बीवी बच्चों को माफ करोगे दरगुजर करोगे जाने दोगे तो अल्लाह रबालमीन तुम्हारे साथ क्या करेगा फ़ैन लफ़ुर रहीम तो बेशक अल्लाह रब्लम बख्शने वाला मेहरबान है जब तुम अपने बीवी बच्चों को मुआफ कर दोगे दरगुजर कर दोगे उन्हें सजा नहीं दोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी मुआफ कर देगा इस मुआफी के बदले लेकिन बाज लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो दुनियावी नुकसान की वजह से अपने बीवी बच्चों के साथ इंतकामाना रवैया अपनाते अपने बीवी बच्चों की वजह से अगर उन्हें नुकसान पहुंच जाए दुनिया का नुकसान तो वो उनके साथ इंतहाई बदसलूकी वाला मामला करते हैं अल्लाह रब्लम यहाँ दीन का नुकसान होने पर भी फरमाता है कि तुम्हें अपनी इलाह कर लेनी चाहिए उनकी भी इसलाह करनी चाहिए लेकिन इसकी वजह से उन्हें सज़ा ना दे करके माफ़ कर देना ये तुम्हारे लिए दूसरे इनाम का ज़रिया बनेगा अगर तुम अपने बीवी बच्चों को मुआफ़ कर दोगे दरगुजर कर दोगे बख्श दोगे जाने दोगे उनके साथ फिर भी अच्छा मामला करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बख्शने वाला मेहरबान है जिस तरह तुमने अपने बीवी बच्चों को मुआफ़ कर दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी मुआफ़ करेगा और तुम अपने बीवी बच्चों के साथ जैसा मामला करोगे वैसा मामला अल्लाह आलमीन तुम्हारे साथ करने वाला है लिहाजा हर मुसलमान को देखना है कि उसका सलूक अपनी फैमिली के साथ कैसा है अगर उसका सलूक अपनी फैमिली के साथ सज़ा का है इंतकाम का है बदला लेने का है तकलीफ देने का है तो उसे अल्लाह से डरना चाहिए लिहाजा आज ही अपनी जिंदगी का रवैया बदलिए और अपने अहलो आयाल के साथ भलाई का मामला कीजिए मुआफ़ करने दरगुजर करने बख्श देने का मामला कीजिए और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद लगाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपके साथ दरगुजर का बख्शिश का रहम का मामला करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने अहलो आयाल के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए व रहमतुल्लाहि व वक्त